हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टॉपिक में आपका स्वागत है। गाइस, यदि आपने न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया था और अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर के पते पर नहीं पहुंचा है, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। और गाइस, जब आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसका कलर प्रिंट निकलवा के आईडी की तरह यूज भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास या तो वोटर आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए या फिर आपके पास रेफरेंस आईडी होनी चाहिए, तभी आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको भी अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं पता है और पता करना चाहते हैं, तो गाइज उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर पता करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जहां चाहे वहां से देख सकते हैं। तो गाइज, चलिए आज की इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल के मेन ब्राउजर में आ चुका हूँ। गाइज, आपको भी सिंपली अपने मोबाइल के मेन ब्राउजर में आ जाना है और फिर आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है NVSP। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ऊपर टाइप कर चुका हूँ। जब आप इतना टाइप कर देंगे तो आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा नेक्स्ट पेज लोड हो चुका है। गाइज, अब आपको सबसे ऊपर ही NVSP.in नाम से एक वेबसाइट दिख जाएगी, जो कि वोटर आईडी कार्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। और अभी आप देख सकते हो, मेरा नेक्स्ट पेज लोड हो चुका है। गाइज, अब आपको नीचे बटन मिल जाता है लॉगिन या रजिस्टर, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अभी आप देख सकते हो, मेरे सामने नेक्स्ट पेज आ चुका है। गाइज, अब आपको यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा, तभी आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने इस वेबसाइट पर कोई अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैं आपको उसका प्रोसेस भी बता देता हूँ, आप किस तरह से इस वेबसाइट पर अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अब आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और अभी आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डू नॉट हैव अकाउंट। अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अभी आप देख सकते हो, मेरे सामने नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब आप यहां से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर का। गाइज, अब आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर आपको यहां पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कैप्चा का। गाइज, जो लेटर यहां पे कैपिटल में लिखे हैं, वो आपको नीचे कैपिटल में फिल कर देने हैं, और जो स्मॉल में लिखे हैं, वो आपको नीचे स्मॉल में फिल कर देने हैं। और फिर इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है सेंड ओटीपी का, अब आप यहां पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद गाइज, आपने जो भी मोबाइल नंबर ऊपर फिल किया होगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक 6 अंकों का ओटीपी गया होगा, और फिर आपके सामने यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स भी आ जाएगा, जैसा कि ऊपर आपको कैप्चा कोड के लिए दिया गया है। गाइज, अब आपको 6 अंकों का ओटीपी उस ब्लैंक बॉक्स में फिल कर देना है। और फिर जब आप अपने ओटीपी को फिल कर देंगे, इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाएगा फिर बाद में वेरीफाई का, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और गाइज, फिर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और फिर गाइज, आपको उसके बाद नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आई हैव इपिक नंबर, आई डू नॉट हैव इपिक नंबर। गाइज, यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो गाइज आपको दूसरा ऑप्शन चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर कैसे पता करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जहां चाहे वहां से देख सकते हैं। और गाइज, पहले आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है इपिक नंबर। यहाँ पे आप जो इपिक नंबर अपना पता करेंगे, या फिर कह लो जो वोटर आईडी कार्ड नंबर आप पता करेंगे, वो वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ईमेल का। यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी अपने अकाउंट में लगाना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिर इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड का। और गाइस, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे पासवर्ड पैटर्न भी दिया गया है, आपको इस पैटर्न को पढ़कर अपना पासवर्ड बना लेना है। और फिर गाइस, आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कंफर्म पासवर्ड, आप जो भी ऊपर पासवर्ड बनाएंगे वो आपको सेम टू सेम नीचे फिल कर देना है। और फिर इसके बाद आपको लास्ट में बटन मिल जाता है रजिस्टर का, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और फिर आपका यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और फिर जब आप इस वेबसाइट पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आपको दोबारा पहले वाले पेज पर आ जाना है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पहले वाले पेज पर आ चुका हूँ। गाइज, अब आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है यूजर नेम। गाइज, अभी जो आपने नया अकाउंट बनाया था, उसमें जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल किया था, उसमें से आपको किसी एक को फिल कर देना है यहाँ पे। या तो आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे या फिर ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड का, आपने जो भी अकाउंट का पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कैप्चा कोड का। गाइज, जो लेटर ऊपर कैपिटल में लिखे हैं, वो आपको नीचे कैपिटल में फिल कर देने हैं, और जो स्मॉल में लिखे हैं, उन्हें आपको नीचे स्मॉल में फिल कर देना है। और अभी आप जैसा कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे पूरी डिटेल को फिल कर चुका हूँ। इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है लॉगिन का, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अभी आप देख सकते हो, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब आपको अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। और अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं, डाउनलोड इपिक और नीचे मिल जाता है इपिक डाउनलोड। अब आप इन दोनों में से जिस पर भी चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो मैं ऊपर वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा।
और अभी आप देख सकते हो मेरा नेक्स्ट पेज आ चुका है। और यहाँ पे जैसा कि ऊपर एक टेक्स्ट मार्क हो रहा है, ये आपको पढ़ लेना है और मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ। उसका क्या मतलब है, ये जो ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके वोटर आईडी कार्ड नवम्बर 2020 के बाद के बने हुए हैं और उनके वोटर आईडी कार्ड में एक यूनिक मोबाइल नंबर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है गाइज, यदि आप अपना ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड नवम्बर 2020 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और साथ ही उसमें एक यूनिक मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए, यानी वो मोबाइल नंबर किसी और वोटर आईडी कार्ड में लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें आगे लिखा हुआ है ये फैसिलिटी जल्दी ही सभी के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। और गाइस यदि आप इस वीडियो को 15 से 20 दिन बाद देख रहे हैं तो आप ओल्ड वाला भी वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं, हो सकता हो ये फैसिलिटी आपके लिए भी अवेलेबल कर दी गई हो। तो गाइस अब आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है आई हैव का, यदि आपके पास इपिक नंबर है यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। लेकिन यदि आपने वोटर आईडी कार्ड को घर से ही अप्लाई किया है और आपके पास रेफरेंस आईडी है तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इपिक नंबर और रेफरेंस आईडी दोनों में से कोई नहीं है तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ आप अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर कैसे पता करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देखकर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैं यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है एंटर इपिक नंबर, यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल कर देना है और फिर इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट स्टेट, आपको सिंपली सिलेक्ट पर क्लिक करना है। और अभी आप देख सकते हो मेरे सामने सभी स्टेट आ चुके हैं, अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ से चुन लेना है और फिर इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है सर्च का, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी आप देख सकते हो नीचे एक वोटर आईडी कार्ड आ चुका है। गाइस क्योंकि यहाँ पे हमारी पिक्चर कट रही है इसलिए मैं फोन को रोटेट कर लेता हूँ। गाइज अब आपको सही तरह से दिख रहा होगा और अभी आप देख सकते हो मेरे वोटर आईडी कार्ड की यहाँ पे डिटेल खुलकर आ चुकी है। गाइज अब आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर देख लेना है, जो भी वोटर आईडी कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अब आपको यहाँ पे नीचे बटन मिल जाता है सेंड ओटीपी का, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी जैसे कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुका है। और गाइज अब आपको यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स दिया गया है, अब आपको जो 6 अंकों का ओटीपी आया है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और फिर इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है वेरीफाई का, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी आप देख सकते हो मेरा ओटीपी का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे दोबारा ऑप्शन मिल जाता है कैप्चा कोड का, अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल कर देना है और फिर इसके बाद आपको साइड में बटन मिल जाता है डाउनलोड इपिक, अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे मेरी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी मैं अपने मोबाइल गैलरी में चला जाता हूँ और अभी आप देख सकते हो मैं अपने फोन के डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है डॉक्यूमेंट्स। और गाइस अब मैं यहाँ से अपना ई वोटर आईडी कार्ड ढूंढ लेता हूँ और अभी जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने ई वोटर आईडी कार्ड आ चुका है। गाइस मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ अब, और अभी जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वोटर आईडी कार्ड मेरे सामने खुलकर आ चुका है। तो गाइज आप इस तरह से कुछ स्टेप फॉलो करके अपना ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इसका कलर प्रिंट निकलवाकर उसे कहीं यूज भी कर सकते हैं। तो गाइज कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दिख रही होगी जिसका नाम है help.digitaltopic@gmail.com, आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, हम आपकी मेल का पूरा जवाब देंगे। तो गाइज मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।